नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना के परिवार का किस्सा है। राजेश खन्ना के बचपन की कहानी किसी उलझी हुई स्क्रिप्ट जैसी है जिसमें कई परतें हैं। क्या ये हो सकता है कि बचपन की घटनाओं ने उनके जहन पर इतना गहरा असर डाला हो? उनका जो व्यक्तित्व दुनिया के सामने आया, क्या वो इन घटनाओं से प्रभावित था? शायद उन्हें अपने करियर और अपनी निजी जिंदगी में भी ये महसूस होता रहा कि उनके साथ हमेशा गलत होता आया है। इन उलझनों से जूझते हुए जतिन यानी कि राजेश खन्ना को ये अंदाज़ा नहीं था कि बंबई में उनकी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ लेगी। जिंदगी जहां उन्हें लेकर यहां पर आई थी, वहीं कुछ सुनहरे सपने उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन सपनों को हकीकत में बदलने की ज़मीन भी यहीं थी। वो सपने हकीकत में बदले और राजेश खन्ना ने नई ऊंचाइयां छुईं। लेकिन सिनेमा का इतिहास गवाह है कि उन ऊंचाइयों से गिरने की जब शुरुआत हुई तो वो पतन रुक नहीं सका। दिनेश रहेजा बताते हैं कि मुझे लगता है कि राजेश खन्ना बहुत अच्छे थे जब तक जिंदगी उनके साथ अच्छा सलूक कर रही थी। जब जिंदगी में कड़वाहट आई तो उनका बर्ताव भी बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कड़वाहट उनके अंदर पहले से छुपी हो और नाकामी के दौरान और मुखर होकर उभर आई हो? क्या ये कहानी पुराने जज्बातों की उथल पुथल की थी जो किसी न किसी रूप में बाहर आते रहे? वो जज्बात जिनसे वो शायद कभी पीछा नहीं छुड़ा सके। उनकी करीबी रही दो महिलाओं यानी कि अंजू महेंद्रू और डिम्पल कपाड़िया ने अपने अपने इंटरव्यूज में ये इशारा किया कि राजेश खन्ना बेहद असुरक्षित महसूस करने वाले शख्स थे। भावना सोमाया ने राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के इस पहलू के बारे में लिखा, शायद उनके व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसा है जो उनकी जिंदगी में आई महिलाओं को असुरक्षित बना देता है, और शायद उनकी असुरक्षा में राजेश खन्ना अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। अंजू और डिम्पल ने इस बात का जिक्र किया है कि राजेश खन्ना हर वक्त उनकी पूरी तवज्जो चाहते थे। बात सिर्फ उनकी जिंदगी में आई महिलाओं की ही नहीं थी, अपने करीबी दोस्तों, साथ काम करने वालों, यहां तक कि फैंस से भी वो कंप्लीट लॉयल्टी चाहते थे। क्या आगे चलकर इन्हीं जज्बात, पजेसिवनेस और असुरक्षा की वजह से लोग उनसे दूर होने लगे और वो अकेलेपन के शिकार हो गए? क्या उनके अंदर हमेशा जतिन खन्ना नाम का वो बच्चा छिपा रहा? इन सब सवालों के जवाब शायद अब कभी सामने नहीं आ पाएंगे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना ने शायद खुद से सुलह कर ली थी। अपने परिवार और जिंदगी के अहम लोग भी उनके पास लौट आए थे, लेकिन शायद जिंदगी के आखिरी दिनों तक राजेश खन्ना को अपने कमबैक की ख्वाहिश रही, चाहत रही कि उनके फैंस भी वापस लौट आए। वो फैंस जिन्होंने उन्हें सबसे अमूल्य, दीवानगी की हद और बिना शर्त प्यार दिया था। अपने फैंस के बारे में जतिन खन्ना किसका प्यार तलाश रहे थे? एक बच्चे के लिए किसका प्यार सबसे ज्यादा अमूल्य और बिना शर्त वाला होता है? ये सवाल आपके लिए है, आप सब सुनने वालों के लिए। जवाब का इंतजार है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।